कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर? तुम, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है, तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में है कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं, मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं, मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं, अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अफसोस नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं, तो माँ और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं, आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को।